पहला दिन था मेरा मेहमान जैसा, सबसे मिली और जाना सबका व्यवहार। फिर लगा जैसे पहुंच गई हूँ अपने ननिहाल। अगले दिन बीते ऐसे पता ही नहीं चला लास्ट दिन कब आ गया। सीआई के दौरान जी मैंने अपनी जिंदगी उनके तरीके से, जो मिलता था खाने में वो आराम से खा लेती बिना किसी शिकायत से। पूछती थी गीता आंटी रोज, क्या बनाऊं क्या खिलाऊं तुमको। मेरा जवाब था, जो आप खाओ वही खाऊंगी मैं। जानी 3 दिन में पूरी दिनचर्या ढाला मैंने खुद को भी उनके जैसा। फिर मैं भी उठने लगी सुबह जल्दी। मजा बहुत आता था जब उठकर जाते थे दौड़ने और कसरत करने। फिर परेशानियों को भी नजदीकी से ऑब्जर्व किया, जाना कि वहाँ जागरूकता की है बहुत कमी। पानी, स्वच्छता और ड्रॉप आउट्स की भरपूर समस्या नजर आई। बात हुई सरपंच और गांव वासियों से, आया आनंद जब मिला पॉजिटिव रिस्पॉन्स हर किसी से। एक नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने पर हुई निराश, फिर सोचा 100 में से 10 नकारात्मक है तो 90 तो मेरे साथ हैं। फिर की चौथे दिन हिम्मत और शुरू किया 5-day स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेशन, जिसमें जाना गांव के बच्चों का उत्साहन। सोचा था सिखाना पड़ेगा उन्हें, पर हुआ ऐसा कि उनको मुझे सिखाना पड़ा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहां मेरा। फिर आई स्वच्छता की बारी, निकाली हम सब ने एक रैली, जिसमें सरपंच संघ 3 स्कूल के अध्यापक ने अलग अलग जगह अपनी सहभागिता दिखाई। इसी के साथ बात हुई 100 मीटर के डिस्टेंस पर डस्टबिन लगाने की, हुई सफल ये रैली हम सब की। फिर बारी आई ड्रॉप आउट्स की, तो घर घर जाकर लोगों को नुक्कड़ नाटक में आने का न्योता दिया, जिसमें खास थी एक चीज, अब होगा बेटी के साथ पिता और भाई संग पूरे गांव का साथ। हुई सफल ये सीआई के अंतिम पढ़ाव में, 200 से ज्यादा तक के लोगों तक नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूकता फैलाई गई। जब आया अंतिम दिन घर जाने का, स्कूल के बच्चे भी हुए इमोशनल। स्कूल के टीचर संग घर वालों ने भी कहा, भूल मत जाना, आते रहना।